नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है। इसके दो स्टेप है, पहला जो है पेमेंट स्टेप है, दूसरा जो है आधार पैन लिंकिंग स्टेप है। तो चलिए पहले पैन कार्ड की पेमेंट स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के साइट पर आना है। यहाँ आने के बाद आपको जो है लिंक आधार के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ आपको जो अपना पैन नंबर डालना है, इसके बाद आधार नंबर डालना है, इसके बाद आपको जो है वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, इसके बाद कंटिन्यू टू पे पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको जो है अपना पैन नंबर डालना है, इसके बाद पैन नंबर कंफर्म कर देना है अपने। इसके बाद आपको नीचे एक मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे पेमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है। यहाँ जो आपका पैन कार्ड जो वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आपको जो है इनकम टैक्स 100 के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसेस कर देना है। यहाँ जो है आपको असाइनमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अदर रिसिप्ट 500, इस पर जाके आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे आपको जो 1000 रुपये की जो पेमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी, जो पेनल्टी फीस है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ जो है आपको कई सारे गेटवे मिलेंगे पेमेंट का, तो जिस भी गेटवे के थ्रू आपको जो है ये पैन कार्ड की पेमेंट जो है 1000 रुपये की कंप्लीट करना है, वो आपको गेटवे जो है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है पे नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसे फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने जो है ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI QR कोड, जिस भी पेमेंट मेथड के थ्रू आपको कंप्लीट करना है पेमेंट, वो आप कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद दोबारा से आपको इनकम टैक्स के साइट पर आना है। यहाँ पर आपको जो है अब आधार पैन लिंकिंग स्टेप जो है कंप्लीट करना है। यहाँ आने के बाद आपको जो है लिंक आधार के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है और आधार नंबर डाल के आपको जो है वैलिडिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडिटी पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके पैन कार्ड नंबर से जो है एक चालान जनरेट हो जाएगा, जो कि इस प्रकार का होगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है। इसके बाद आपको जो है अपना नाम डालना होगा जो आधार कार्ड पर मेंशन हो, और मोबाइल नंबर डाल के आपको जो है OTP जनरेट कर देना है। आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको जो है कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा। इसके बाद आधार पैन लिंक का जो रिक्वेस्ट है वो UIDAI के पास सेंड कर दिया जाएगा। ये 24 घंटे में दोस्तों आपका पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।